अगर आपको याद हो, आज से 4 साल पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने आज ही के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक अंतरिक्ष अभियान में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। ये रिकॉर्ड 4 साल तक भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम रहा। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज की खास पेशकश आज का इतिहास। दरअसल बात कुछ ऐसी है, पिछले महीने ही एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन में 143 सैटेलाइट्स लॉन्च कर इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसरो ने 2016 में सिंगल मिशन में 20 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। इसके बाद 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से पीएसएलवी C-37 लॉन्च किया गया। तब उसके साथ 104 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने 2014 में 37 सैटेलाइट्स लॉन्च कर ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। इसरो के अभियान में भेजे गए 104 उपग्रहों में से 3 भारत के थे, जबकि बाकी के 101 सैटेलाइट्स इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। इनमें से एक सैटेलाइट का वजन 730 किलोग्राम था, जबकि 2 का वजन 19 किलोग्राम था। बाकी सैटेलाइट्स हल्के थे। इस मिशन के बाद इसरो स्पेस लॉन्चिंग के मार्केट में भरोसेमंद प्लेयर बनकर उभरा। इसकी एक बड़ी वजह थी भारत में अमेरिका के मुकाबले सैटेलाइट लॉन्चिंग में आने वाली कम लागत। पिछले महीने अमेरिकी इनोवेटर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन में 143 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मिशन को ट्रांसपोर्ट 1 नाम दिया गया। इसमें 133 कमर्शियल और 10 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। ये लॉन्चिंग कंपनी के स्मॉल सैटेलाइट शेयर प्रोग्राम का हिस्सा थी। इसके तहत सैटेलाइट कंपनियों को कम कीमत में स्पेस तक पहुंचाया जाता है। इससे पहले स्पेसएक्स ने दिसंबर 2018 में 74 सैटेलाइट्स को एक ही मिशन के तहत लॉन्च किया था। आइए जरा अब एक बार 15 फरवरी को देश दुनिया में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। 1869 में प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का निधन हुआ। 1948 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता लिखने वाली कवियात्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ। 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। 1999 में परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के मकसद से मिस्र में निगरानी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा हुई। 1991 में इराक ने कुवैत से हटने की घोषणा की। 1962 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। 1944 में ब्रिटेन के सैकड़ों विमानों ने बर्लिन पर बमबारी की। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर का पतन हुआ। जापानी सेनाओं के हमले पर ब्रिटिश जनरल आर्थर पेरसिवल ने समर्पण दिया। लगभग 80,000 भारतीय, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक युद्ध बंदी थे। 1906 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी का गठन हुआ। 1798 में फ्रांस ने रोम पर कब्जा कर उसे गणराज्य घोषित किया। 1564 में खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ। उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है।